हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हैं सुमन 21 नागराज गेमिंग। तो करते हैं आज के लिए शुरू। तो आज के लिए शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आप अगर हम लोग को 100 सब्सक्राइबर कर देते हैं तो हम लोग बहुत जल्द बहुत नए और इंटरेस्टिंग गेम प्ले लाएंगे जो आप लोग को लो डिवाइस में चल जाएगा। और धीरे धीरे हम लोग फ्री फायर का गेम प्ले भी शुरू करेंगे और पबजी लाइट का भी गेम प्ले शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अभी मैं न्यू चैनल खोला हूँ, इसलिए मैं अभी थोड़ा लो डिवाइस में चलने वाला गेम दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला गेम मैं बचपन से खेल रहा हूँ, इसका नाम है स्टिक वार लेजेंड्स। और ये वाला गेम इतना खेला हूँ कि मेरा पूरा नॉलेज हो गया कि गेम कैसे खेलते हैं, तो इसमें मैं शेयर करूँगा टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ आपको जो हेल्प लगेगा। सबसे पहले मैं आज सिर्फ दिखाने वाला हूँ कि ये वाला गेम कैसे रहता है, ठीक है। तो प्ले दबाने के बाद आपको दबाना पड़ता है क्लासिक, में क्लासिक दबाता हूँ। तो इससे पहले मैं एक तो खेल चुका हूँ और ये कुछ अपना ऐड देता है, ठीक है। इसलिए ऐड भी मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसका साउंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं साउंड कम कर दूँगा, साउंड ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए मैं जो इधर, ये देखिए मैं जो इधर प्रेस किया ना, ये है माइनर जो माइनिंग करता है, देख रहे ना, इधर ये लोग माइनिंग कर रहा है। तो इसके दबाने से ये माइनर आता है, दिखाता हूँ। देखिए मैं तो माइनर को बुलाता हूँ। हाँ, ये माइनर के नीचे देखना है कि इधर में 150 बोले कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। 150 मतलब है आपको जिसमें जो डायमंड का कॉइन्स है ना, यार ये जो डायमंड दिख रहा है ना, मतलब ये जो गोल्डन कॉइन्स दिख रहा है, तो ये कॉइन्स आपको कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो कलेक्ट कैसे होता है, ये जब भी ये माइनर इसे कलेक्ट करके लेके जाता है जो झोला भर के, तो तभी हम लोग की जैसे कॉइन मिलता है। तो कॉइन जितना कलेक्ट होता रहेगा उतना आप ये बंदे लोग को ले पाएंगे। जैसे कि मैं अभी एक और तो लेता हूँ ताकि हम लोग को और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट हो जाए। तो ये लेवल नंबर फर्स्ट है, इसलिए ये ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, बट जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहेगा उससे वैसे हम लोग का ये जो लेवल है बहुत हार्ड बनता रहेगा। और एकदम एंड में तो भाई बोलना ही मन, भाई कभी चिमकांडी वाला है। तो देखिए अभी हम लोग का 790 हो गया है पूरा, तब हम और भी बंदे लोग अपना ये बंदे बुलाते हैं। हाँ, जो ये सामने जो ये दो बंदा खड़ा ना, इसको कहते हैं सॉर्डर, ऐसे कुछ नाम है, सॉरी भाई मेरे को उतना पता नहीं, पर तो ऐसे कुछ बोलते हैं। ये हाथ में शॉर्ट पकड़ के रहते हैं, तो मैं भाई मैं वो बात कर लूँ इसलिए कुछ ठीक नहीं है। तो देखते हैं इधर, चलो एक तो पूरा बेस ही बना देते हैं इन लोग को, ताकि हम लोग जो सामने वाला बंदा है इसमें को मार पाए, ठीक है। तो आपको ये लोग पता ही होगा, जब गेम स्टार्ट करेंगे तब आपको सब पता लगा देगा। मैं जैसे स्किप किया हूँ वैसे आप स्किप नहीं कर सकते, पहले आपको एक तो गेम प्ले खेलना पड़ेगा, उसके बाद आप जो मैंने एकदम साइड में स्किप किया, स्किप करने का ऑप्शन आपको नहीं तब आएगा। जब फर्स्ट बार आप खेलेंगे तब स्किप नहीं कर पाएंगे आप, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा इसका, जो गेम का जो वीडियो रहता है पूरा इंट्रो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप कर पाएंगे स्टार्ट। तो इसलिए मैं जानता हूँ बोल के इसलिए मैं आपके ट्रिक बताता हूँ कि आप अपने सोल्जर को ना फर्स्ट में जितना हो सके उतना बड़ा, ठीक है। फर्स्ट नंबर ट्रिक क्या है, जितना हो सके उतना आप आपका जो ये सोल्जर से उतना बड़ा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इधर में देखिए ये लोग अभी भी दो तो आर्चर डॉट्स है, मतलब इधर देख लीजिए आर्चर डॉट्स किसको कहते हैं बता देता हूँ। जो सामने दो बंदा है ना इसको बोलते हैं आर्चर डॉट्स, और ये होता है एनिमी का स्टैचू, ठीक है। इस स्टैचू को आपको तोड़ना पड़ता है, ठीक है, इसको आपको तोड़ना पड़ता है तभी आप
विक्टोरी हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आप जीत जाएंगे गेम को। उसे तोड़ने के लिए आपको कहना पड़ेगा, आपको पूरा सोल्जर को तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी और एक बुलाता हूँ ताकि हम लोग का कितने सोल्जर है, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 20 सोल्जर्स हो गए हम लोग का। अभी हम लोग अटैक कर सकते हैं, अटैक करेंगे और भी बताएं, चलो अटैक करते हैं, वैसे जीत जाएंगे। तो आप लोग को तो मैक्सिमम आपको 20 सोल्जर्स को एकदम रेडी करके रखना है और फिर अटैक कर देना है। तो इससे फ़ायदा तो होगा कि सामने देखिए दो बंदा है, ठीक है, दो बंदा है, इसको संभाल नहीं पाएगा और आप 3-4 मिनट के अंदर गेम को जीत जाएंगे, ठीक है। देखिए अभी रिफोर्समेंट को बुलाया है, इसलिए देखिए कितना सारा बंदा आ रहा है, पर हम लोग का बंदा ज़्यादा, इसलिए हम आराम से मार देंगे, ठीक है। देखिए अरे यार उन लोगों फार्मर्स को मार दिए, चलो मैं भी कुछ मारता हूँ, चलो मार दिए खत्म। तो हम कर लिए हैं ये वाला गेम को विक्टोरी, अरे वाह। और आपको विक्टोरी करने के बाद आपको 20 डायमंड मिलता है और मैंने इसको क्लिक किया 4 मिनट 44 सेकंड में कंप्लीट किया हूँ इसको मैं। तो मैं वीडियो बता रहा हूँ इसलिए मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो मैं 1 मिनट में कर देता हूँ काम तमाम इन लोग का। और देखिए मैं इन लोग का ये स्टैचू तो रहा और इसलिए मुझे नया अवतार मिल गया, आर्ची डॉट्स इसका नाम है, यू हैव अनलॉक दी आर्ची डॉट्स। तो इसका कंट्रोल कर सकते हैं रेड लाइट मूव करके, और आपको तीर छूना पड़ता, तीर छूने के लिए आपको ऐसे स्ट्रेट ऐसे खींचना पड़ता है, फिर छोड़ देना पड़ता है, फिर आपके ना और आपको मूवमेंट ये वाला जगह में होता है, तो इधर में आपका वो रहता है स्टिक रहता है, ठीक जॉय स्टिक रहता है। चलो कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद खेलता है। ओके यू हैव अनलॉक दी एस्टियल आर्चर्स, ओके, मतलब मुझे दो टाइप के आर्चर्स मिल चुके हैं। और ये है आपका अपग्रेड पॉइंट, ठीक है, जितना लेवल आप कंप्लीट करेंगे उतना आपको अपग्रेड पॉइंट मिलेगा। हर एक लेवल में आपको दो दो करके अपग्रेड पॉइंट मिलेगा। अपग्रेड पॉइंट से होता है क्या है, देख रहे हैं ये बॉक्स बॉक्स टाइप का है, ऐसा बॉक्स टाइप का है, तो ये बॉक्स बॉक्स में आपको क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि मैं अपना जो सोल्जर्स है मैं अपना आर्ची डॉट में दिखाता हूँ, देखिए इसके दबाने से, देखिए जब मैं इसको छोड़ दूँगा, देखिए सब लोग का अपना अपना एबिलिटी इधर दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आर्ची डॉट को लिया और देख रहे हैं इधर में तो अपग्रेड का साइन दिखा रहा है, ठीक है, अपग्रेड इसको आपको दबाना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है आपका जो ये आर्ची डॉट है ये अपग्रेड हो जाएगा, जैसे कि ये देखिए ये अपग्रेड हो गया। अपग्रेड होने से क्या होता है कि इसका जो एबिलिटी आता है डैमेज का या फिर लेवल का ये सब कुछ बढ़ जाता है और आपका बंदा आराम से मार पाता है। और मैं सब लोग की एबिलिटी बता रहा हूँ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं अपना चल जाता हूँ, जो मेरा दूसरा वाला है उसमें चल जाता हूँ, चलो मेनू में गया, ठीक किया। तो ये हम लोग का इसमें मैंने सारा मिशन कंप्लीट कर लिया इस वाले में। ऐसा तो 3 बॉक्स मिलता है जिससे आप अलग अलग करके गेम प्ले खेल सकते हैं, ओके। तो इधर में देखिए मेरा जी आर्मी है, देखिए पूरा पूरा अपडेट हो गया है, ठीक है, अपडेटेड हो गया। सिर्फ ये वाला जो विश रहता है ये वाला से अपडेट होने का जरूरत होता है, दो अपडेट होने से बस ये हो जाएगा। देखिए सबके एबिलिटी में बता रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे सबसे पहले एबिलिटी बता रहा हूँ इसका फार्मर का। फार्मर का एबिलिटी रहता है कि वो गोल्ड कलेक्ट करता है, ठीक है। फार्मर के बिना आप गेम को जीत नहीं सकते, आपको फार्मर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं रखने से भी पहले दो फार्मर आपको फ्री में मिल जाता है। अगर आप और भी बहुत जल्दी से कॉइन कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फार्मर खरीदना पड़ता है, मतलब खरीदना मतलब जो कॉइन रहता है उसको आप रिबिल करके आप खरीद सकते हैं। फिर सेकंड में आता है हमारे
ये तलवार वाला भाई साहब, सॉरी। अरे यार चलो, ये शॉर्ट वाला भाई साहब हमारा देख रहे हैं ना, ये वाला तो खतरनाक वाला। तो ये शॉर्ट वाला फंक्शन करते हैं कि ये बहुत स्पीड में दौड़ सकता है और इसका डैमेज उतना अच्छा नहीं है, मतलब है अगर आप पूरा इसका अपडेट करेंगे तब इसका डैमेज थोड़ा अच्छा होता है, और इसका स्पीड सभी अवतार से बहुत ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट में आता है ये हम लोग आर्चर डॉट्स का हेल्थ बहुत कम रहता है और इसका पावर थोड़ा कम रहता है, पर इसका फायदा रहता है ये आप दूर से ही एनिमी को मार सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब सेकंड में आता है, मतलब था फोर्थ में आता है हम लोग का ये। अरे यार बाल बहुत दर्द जा रहा है यार। अच्छा ये है, ठीक है ये, इसका नाम क्या है, स्पीयर, ये स्पीयर फेंकता है, ठीक है। इसका नाम है स्पीरेटन ऐसे कुछ नाम है। तो ये कैसे रहता है, जो हम लोग राजा लोग के ज़माने में रहता ना, ये सिपाही जो बाहर में किसी को अंदर नहीं आने देते, बोलते अभी राजा जी मीटिंग में वेट कर रहे हैं, अभी कोई अंदर नहीं जाएगा, अभी गेट बंद है, तो ये पहाड़ा देता है ना बाहर, वो ऐसा टाइप का है। पर यही सबसे पावरफुल वाला अवतार है, इसका एक डिफ़ॉल्ट है कि ये ज़्यादा स्पीड से दौड़ नहीं पाता, ये थोड़ा आस्ते से दौड़ता है, पर इससे भी आस्ते एक जन है जो और भी आस्ते आस्ते दौड़ता है, मतलब तो दौड़ता नहीं चलता है, हम लोग का बूढ़ा बाबा। इसका नाम है मैजिकेन स्विफ्ट। ये बहुत आस्ते आस्ते जाता है और इसके एबिलिटी ये रहता है कि ये अपना मैजिक, अपना जो छड़ी रहता है, छड़ी से अपना सोल्जर बना सकता है, और साथ ही साथ ये अपना छड़ी का मदद से डैमेज भी दे सकता है। और एकदम लास्ट में आता है हमने ये मॉन्स्टर जायंट ग्रोथ, इसका नाम है, सॉरी भाई थोड़ा स्पेलिंग भूल बोल दिया, जायंट ग्रोथ है इसका नाम। और इसका सबसे अच्छी एबिलिटी है कि ये बंदर लोग को डैमेज बहुत ख़तरनाक देता है, और इसका एक शॉट से बंदर लोग पूरा दूर दूर जाके गिरता है, और इसका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा रहता है, पर इसका स्पीड थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, मतलब जो ये हम लोग का रिस जैसे रहता ना मैजिकन से थोड़ा स्पीड रहता है, पर मैजिकन बहुत स्लो है हम लोग का उस सारे एक्टर में। और सबसे खतरनाक वाला है हम लोग का ये जो हम लोग का रक्षा करता है, इसका नाम है, आपको लिखा आ रहा होगा, क्रिस्टियल आर्चेडॉट्स। तो ये क्या करता है, ये भी एक तीरधनुष वाला अवतार है, और इसका एबिलिटी रहता है कि अगर दुश्मन लोग आपके ऊपर अटैक कर देता है तो आप लोग इससे इसको बुला के आप लोग बच सकते हैं। इसको बुला तो कैसा है मैं दिखा रहा हूँ, देखिए रेडी कर दिया मैं, तो सोचे मैं ये कुछ एक मिशन खेल रहा हूँ, ठीक है ठीक है, ये वाला मिशन खेलते हैं। तो इससे होता क्या, तो ये वाला मिशन में आता है कि सोच लीजिए एनिमी आपको अचानक से अटैक कर दिया, ठीक है ये तो वेट करते हैं। तो इधर मैं देख सकते हैं कि हम लोग का एनिमी रहता है वो अटैक कर दिया, तो मैं वीडियो थोड़ा कट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा वीडियो इसलिए। तो देखिए ये बंदे लोग हम लोग का अटैक कर रहा है ना, तो इससे इसको बचने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को ईयर बटन दबाना पड़ता है। इसे दबाने से क्या होता है, हम लोग का जो बंदा रहता है वो लोग अंदर चल जाता है, और हम लोग का जो रखवाला है वो निकल कर आता है। देखिए निकल कर आया ना रखवाला हम लोग का, ये देखिए इसका पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पर ये इसका एक डिफ़ॉल्ट है कि ये हम लोग के साथ लड़ाई नहीं करता है, बल्कि हम लोग की रक्षा करता है सर, ठीक है, हम लोग का रक्षा करता है, और साथ ही साथ हम लोग का
जो मूर्ति है, जो सामने मूर्ति जो हिल हो रहा है आस्ते आस्ते, तो उसके भी रक्षा करते हैं ये जो हम लोग बंदा मारने आ रहे ना इसके लिए। ठीक है, यही है इसका काम, और इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, बस यही इसका काम है और इसका कुछ काम नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका सारा मिशन देखना है, इस सारा मिशन का गेम प्ले देखना है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रो फॉर गेटिंग अवर फर्दर वीडियोस। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा एंड बाय बाय।